और इंडिया के लिए बड़ा सिंपल था और सादा पैगाम है, 70 साल तक तुमने जो जुल्म किए हैं, पाकिस्तान में एक ईमानदार लीडर आ चुका है, कश्मीर को, कश्मीरियों को उनका हक दिला के रहेंगे। इमरान खान, कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान जीत के लेंगे, ये हक हमारा। हम एनआरटी की तरफ से अपनी अफवाज के साथ ठहरे हैं, पाकिस्तान के साथ ठहरे हैं। हम इस मुल्क का हिस्सा हैं और हम चाहते हैं कि कश्मीर जिस तरह हमारा हिस्सा है, इसी तौर से कश्मीर को आजाद किया जाए, ताकि हम सब मिलकर आजादी के साथ अपनी खुशियां मना सकें। ये कश्मीर की जो यकजहती का दिन है, ये सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं, पहली दफा पाकिस्तान में ऐसी कोई लीडरशिप आई है जिसने कश्मीर के मसले को इंटरनेशनल लेवल पे उजागर किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं कि चंद महीनों के अंदर वो इंटरनेशनल इदारे जो बिल्कुल खामोश थे, या वो मुल्क जो बिल्कुल खामोश थे, जिन्होंने कभी कश्मीर के बारे में कोई बात नहीं की, वो ये बात मानने पर मजबूर हो गए कि कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा है और कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत मिलना चाहिए। इमरान खान की फॉरेन पॉलिसी में कश्मीर एक कॉर्नर स्टोन है और इंशाल्लाह हमारा ये यकीन है, हमारा ये ईमान है कि अक्रॉस द बोर्ड जिस तरह पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरी भाइयों बहनों के साथ, माओं के साथ है, कश्मीरियों को इनका हक हम दिलाकर रहेंगे।